सो यारो, इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ एक शो के बारे में जिसके बारे में लोग बहुत टाइम से बात कर रहे हैं, जो सब टीवी में आ सकता है। इसको आप अलादीन का सीजन 4 भी कह सकते हो। शो का नाम है अफलातून सन ऑफ अलादीन। जहां तक मुझे याद है 2023 के स्टार्टिंग में इसके बारे में न्यूज आया था कि अफलातून सन ऑफ अलादीन नाम करके सब टीवी में एक शो आने वाला है। ये शो स्टार्ट होगा वही से जहाँ पे अलादीन शो खत्म हुआ था, और जैसा कि शो के नाम से ही पता चलता है कि सन ऑफ अलादीन, इस शो में अलादीन के बेटे को दिखाया जाएगा। बट सबसे पहले मैं आपको ये बात क्लियर कर दूं कि अभी तक इसके बारे में कोई भी ऑफिशियल अपडेट नहीं है, या फिर कोई भी ट्रस्टेड सोर्स से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि हाँ, ये शो एक्चुअली में सब टीवी में आने वाला है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2023 के स्टार्टिंग में ही मुझे इसके बारे में पता चला था, और जहाँ पे ये बताया जा रहा था कि अफलातून सन ऑफ अलादीन शो का जो कास्टिंग है वो स्टार्ट हो गया है, और उसके रिलेटेड एक पोस्ट बहुत ज्यादा वायरल हो गया था। बट बाद में पता चला था कि वो फेक है, एक्चुअल में ऐसा कुछ हुआ नहीं है। अगर उस टाइम पे कास्टिंग स्टार्ट हो गया होता तो अभी तक तो हमें शो देखने मिल जाता। अभी अगर इसके लीड एक्टर के बारे में बात करें तो मैं आपको इतना तो श्योर होकर बता सकता हूँ कि अगर ये शो आता है तो इस शो में लीड रोल प्ले करेंगे सिद्धार्थ निगम। अलादीन शो के लीड कैरेक्टर में भी वही थे, और फैंस भी उनको ही देखना चाहते हैं। और रिसेंटली मैं सिद्धार्थ निगम का एक इंटरव्यू देख रहा था जहाँ पे वो बोल रहे थे कि उनका एक बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट आने वाला है 2024 में। तो अभी देखते हैं कि वो प्रोजेक्ट क्या होता है, क्या वो अफलातून सन ऑफ अलादीन होता है या फिर कोई और शो। अभी अगर इस शो के बारे में बात करें तो अभी तक तो सिर्फ रूमर्स ही आए हैं कि ऐसा एक शो सब टीवी में आने वाला है। कोई भी ऑफिशियल कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। पर्सनली बताऊं तो अगर ऐसा कोई शो सब टीवी में लॉन्च होता है तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। मैं डेफिनेटली देखना चाहूंगा ऐसा कोई एक शो। अभी अगर सब टीवी के करंट सिनेरियो के बारे में बात करें तो सब टीवी में अभी फिलहाल फैंटेसी शो उतना अच्छा नहीं चल रहा है। अगर मैं आपको एक रिसेंट एग्जाम्पल दूं तो बालवीर 3 लॉन्च होने से पहले कितना ज्यादा हाइप में था आपको पता ही होगा। बट जैसे कि आपने देखा ही है कि बालवीर 3 लॉन्च होने के बाद उसका जो टीआरपी है वो इंक्रीज नहीं हो रहा था, 0.2 पे अटक गया था। तो इसीलिए सब टीवी भी अभी ऐसा कोई शो लॉन्च करना नहीं चाहता जिसका टीआरपी कम आ सकता है। तो ओवरऑल बताऊं तो सब टीवी में अभी फिलहाल फैंटेसी शोज उतना अच्छा चल नहीं रहा है। तो इसीलिए मुझे थोड़ा बहुत डाउट हो रहा है कि ये शो आ सकता है, नहीं भी आ सकता है। बट ओवरऑल मुझे शो का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पसंद आया। अगर ये शो हमें 2024 में देखने मिलता भी है तो मुझे नहीं लगता कि इतनी जल्दी आएगा। अभी तक तो बालवीर 3 भी लॉन्च नहीं हुआ है, तो अगर आता भी है तो मुझे लगता है कि इसको आने में बहुत सारा टाइम लग जाएगा। मे बी 2024 की लास्ट में या फिर 2025 के स्टार्टिंग में। अभी कुछ कन्फर्म बता नहीं सकते क्योंकि जैसा कि मैंने बताया कि ऐसा कोई शो बन रहा है या फिर नहीं, ऐसा भी कोई कंफर्मेशन नहीं है। बाकी देखो, इस शो के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, आप क्या सोचते हो, वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।